यूट्यूब चैनल सोलह फिजिक्स क्लासेस एंड गुरुदेव जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैरोमीटर और मैनोमीटर। तो बच्चों सबसे पहले हम बैरोमीटर जान लेंगे। बैरोमीटर क्या होता है? ये फंडामेंटल, उसे हम फंडामेंटल बैरोमीटर भी कह सकते हैं, उसे हम टॉर्सिली बैरोमीटर भी कह सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैरोमीटर। तो बच्चों बैरोमीटर जो होता है, वो बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है, उसे हम यूज करते हैं मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना बच्चों, वो मेजर करने के लिए हमें बैरोमीटर की जरूरत है। तो चलो देखते हैं, एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देख सकते हैं कि ये जो बैरोमीटर होता है, उस बैरोमीटर में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक टब ले ली, उस टब में मैंने मर्क्यूरी भर दी, यहाँ पे मर्क्यूरी भर दी। और बच्चों मैंने यहाँ पे एक ग्लास टब ले ली, पतली सी ग्लास टब, और उस पतली सी ग्लास टब जो है, उस ग्लास टब में भी मैंने क्या कर दी, मर्क्यूरी भर दी, और उस ग्लास टब को मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया। यहाँ पे उंगली रखकर मैंने ग्लास टब को यहाँ पे उल्टा कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे उंगली रखने का कारण जो है वो है कि जो भी एयर है वो एयर इसके अंदर न जा सके, इसीलिए मैंने यहाँ पे अपनी उंगली रख दी। और उंगली रखने के बाद ये जो ग्लास टब है वो ग्लास टब मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया। अब ग्लास टब उल्टा करने के बाद बच्चों यह पता चला कि इसमें जो भी मर्क्यूरी है वो मर्क्यूरी नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पे मैंने स्केल रख दी ताकि हम जो हाइट जो है, मर्क्यूरी की हाइट जो है, वो हाइट हम फाइंड आउट कर सके। तो बच्चों यहाँ पे मैंने तीन पॉइंट रख दिए, जो मर्क्यूरी है इस मर्क्यूरी के हॉरिजॉन्टल लेवल पे मैंने तीन पॉइंट रख दिए, 1, 2, 3। और ये तीनों पॉइंट का जो प्रेशर होता है वो हमेशा सेम ही होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होता है वो प्रेशर हमेशा सेम ही होता है। तो बच्चों ये जो हमें कोई भी दो पॉइंट की जरूरत है, तो बेसिकली हम तो यहाँ पे दो पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे P1 मतलब P1 जितना होगा, यहाँ पे जितना प्रेशर होगा उतना ही यहाँ पे प्रेशर होगा, उतना ही यहाँ पे प्रेशर होगा। पर हमने क्या किया, कोई भी दो प्रेशर यहाँ पे कंसिडर कर लिए। तो बच्चों हमें यह पता चला कि ये जो P1 है, प्रेशर P1 जो है, उस प्रेशर P1 पे ऊपर से एक प्रेशर आएगा, और वो जो प्रेशर आएगा बच्चों वो होगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे हम P0 से कंसिडर कर लेंगे। ओके, ये जो प्रेशर आया ऊपर से प्रेशर आया, वो प्रेशर आ गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकंड जो प्रेशर है उसके ऊपर क्या है, मर्क्यूरी है। ठीक है, और उस मर्क्यूरी के ऊपर कुछ जगह खाली हो गई है। अब उस खाली जगह जो है उसमें होगा वैक्यूम, कोई एयर वगैरह नहीं होगा, तो उसमें जो होगा क्या होगा, वैक्यूम। उस वैक्यूम का एक नाम है, वो नाम है टॉर्सिली वैक्यूम, उसका एक नाम है, वो नाम क्या है, टॉर्सिली वैक्यूम। अब बच्चों यहाँ पे जो पूरी खाली जगह है उसमें क्या आ गया, वैक्यूम, कोई एयर प्रेशर जो है, एयर प्रेशर नहीं है। अब बच्चों इसमें प्रेशर आ गया, आएगा इसके अंदर कोई प्रेशर आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर कहीं पे प्रेशर होनी है तो क्या होना चाहिए, कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होना जरूरी है। पर यहाँ पे तो कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, वैक्यूम में, मतलब यहाँ पे पी जो है वो कुछ भी नहीं, प्रेशर जो है वो प्रेशर कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जीरो रख दिया। मतलब अब हम क्या देखते हैं, ये जो P1 जो है वो P1 कितना है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसीलिए हमने P1 के नीचे रख दिया P0, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बच्चों हमें सेकंड लेवल के ऊपर तो कुछ नहीं, मतलब मर्क्यूरी है, और मर्क्यूरी के ऊपर वैक्यूम है,
और वो जो वैक्यूम है वो वैक्यूम तो यहाँ पे जीरो है, मतलब यहाँ पे तो कोई प्रेशर नहीं है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे मैंने P2 के ऊपर लिखना है हमें, वो जो P2 है P2 के ऊपर प्रेशर जीरो है इसीलिए मैंने यहाँ पे जीरो रख दी। प्लस उस वैक्यूम के नीचे मर्क्यूरी है और जो मर्क्यूरी है उस मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है रो, ठीक है यहाँ तक। जो जी होता है वो होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो जो लिक्विड है वो जो मर्क्यूरी है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और वो जो मर्क्यूरी की हाइट होती है बच्चों वो होती है हमारी एच, मतलब P2 के ऊपर जो हमारा P2 होता है वो होता है हमारा रो जी एच। यहाँ पे हम लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू P2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी रो जी एच। मतलब बच्चों हमारा जो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला है हमारा रो जी एच। रो जो होता है वो कोई भी लिक्विड हो, वो हम मर्क्यूरी ले कोई भी लिक्विड लो, उसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है हमारी रो। जी जो होता है वो होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और एच जो होता है वो जो हमारी हाइट होती है वो हाइट। तो बच्चों हम एक प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम हम अभी सॉल्व कर देते हैं। अब जो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एट सी लेवल, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है वो अब फाइंड आउट कर लेंगे। तो बच्चों रो जो होता है जो मर्क्यूरी की डेंसिटी है वो मर्क्यूरी की वैल्यू होती है 30,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जो होती है वो मर्क्यूरी की वैल्यू होती है। अगर कोई दूसरा लिक्विड लो तो उस लिक्विड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है डिफरेंट आती है। तो हमने यहाँ पे रख दिया P0 = रो, मर्क्यूरी की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 13,600 * जी। हमने मान लिया हमने जी को 10 ले लिया, ओके। और जो हाइट जो है वो हाइट हमने 76, ओके यहाँ तक तो ठीक है। अभी हमने 76 को 100 से डिवाइड कर दिया ताकि हम एक ऐसा यूनिट में लिख दें, ऐसा यूनिट 100 क्यों लिखा क्योंकि ऐसा यूनिट मिलेगा इसीलिए हमने इसे डिवाइडेड बाय 100 किया। अब 100 करने के बाद इसका कैलकुलेशन करने के बाद इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1.01 × 10^5 न्यूटन पर मीटर। हम इसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों हम लोग जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो लिक्विड है उस लिक्विड की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू डाल दो, ओके। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी की वैल्यू वो डाल दो, और ये जो होता है वो हम ऑब्जर्व करके भी लिख सकते हैं, और उससे हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं। यही तो था हमारा बैरोमीटर का काम। जो बैरोमीटर होता है वो बैरोमीटर क्या करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का काम करता है, ओके। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है।